नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आज रात ठीक 8 बजे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा स्पीकर के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष के घर कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होगी और इस मीटिंग में ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल होगी। यानी कल होने वाले लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव में आज से ही नंबर जोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कल के चुनाव में तय हो जाएगा कि एनडीए 300 के पार जा रहा है या नहीं। कल यह भी तय हो जाएगा कि क्या इंडिया गुट में फूट पड़नी शुरू हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर के लिए कांग्रेस की पसंद पर ममता बनर्जी की लड़ाई शुरू से है। एनसीपी भी नाराज दिख रही है, जबकि नरेंद्र मोदी की पार्टी फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद संसद के अंदर यह पहला इम्तिहान है जहां सच में पता चलेगा किस खेमे के पास कितनी स्ट्रेंथ है। अब तक यही चल रहा था कि इंडिया अलायंस में कौन कौन साथ रहेगा, कौन कौन बिछड़ेगा। कल सारा का सारा रिजल्ट पता चल जाएगा। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मसले पर मोदी को ब्लैकमेल करने वाले विरोधियों का चेहरा एक्सपोज हो जाएगा। शर्त रखने वाले मोदी विरोधियों का सच पूरे देश को पता चल जाएगा। और ये कैसे होगा, इसकी एक झांकी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं? क्या मोदी के सियासी दुश्मन अब शर्त वाली शरारत करके मोदी के खिलाफ नई आफत खड़ी करना चाहते हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नियत पर सवाल खड़े करके राहुल अपनी सियासत करना चाहते हैं? राहुल संसद के भीतर क्या कर रहे हैं? एंटी मोदी नैरेटिव कैसे क्रिएट कर रहे हैं? वो लोकसभा में कैमरे पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? संसद के बाहर राहुल कौन सी मोदी विरोधी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? मोदी को कैसे प्रोवोक कर रहे हैं? राहुल गांधी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है और क्या मोदी राहुल के दिमाग को सही पढ़ पा रहे हैं? इस वक्त नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल करने वाले दो खेल चल रहे हैं, एक संसद के भीतर और दूसरा संसद के बाहर। संसद के भीतर आपको थोड़ी देर में लेकर चलेंगे। राहुल ने लोकसभा में कौन सी लाल डायरी दिखाई, किस किस को वो लाल डायरी पकड़ाई? राहुल ने खुद संविधान वाली लाल डायरी दिखाकर संसद के भीतर मोदी के खिलाफ कौन सी नई सियासी पिक्चर की शूटिंग करवाई? फुल डिटेल आगे देंगे, टीजर देख लीजिए। आई राहुल गांधी, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. पहले संसद के बाहर की बात करते हैं, क्योंकि असली खेल वहीं चल रहा है। मोदी विरोधी कैंप में जबरदस्त कानाफूसी हो रही है। प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करने वाली नई साजिश की प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर इंडी अलायंस ने अपना लाउड स्पीकर ऑन कर दिया है और इस लाउड स्पीकर का रिमोट राहुल गांधी के हाथ में है। 99 सीट लाने वाले राहुल डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर 240 सीट वाले मोदी को धमका रहे हैं। जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा छिपा रहे हैं। शर्त वाली सियासत करके मोदी पर दबाव डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है।
तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। राहुल गांधी के ये शब्द एक बार फिर से नोट कीजिए। उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर का पोस्ट ऑपोजिशन को मिलना चाहिए, क्योंकि ये कन्वेंशन यानी भारतीय लोकतंत्र की परंपरा है। राहुल के मुताबिक स्पीकर सत्ता पक्ष का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हमेशा से ऐसा ही होता आया है, मगर लगता है राहुल ने खुद अपनी पार्टी का इतिहास नहीं देखा। 1952 में जब पंडित नेहरू पीएम थे, तब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के ही एम ए अयंगर थे। 1962 में नेहरू पीएम थे, तब भी डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के ही एस वी कृष्णमूर्ति राव थे। सच तो यह है कि जब देश में मुरारजी देसाई की सरकार थी, कांग्रेस विपक्ष में थी, उस वक्त बड़ी बहुमत हासिल करने के बावजूद मुरारजी देसाई ने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट कांग्रेस के जी मुराहरी को दिया। राहुल जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, वो परंपरा तो खुद गांधी परिवार ने कई मौकों पर फॉलो नहीं की। और अब जब एनडीए ने लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम आगे किया, ओम बिरला ने स्पीकर पोस्ट के लिए अपना नामांकन भरा, तो कांग्रेस ने न सिर्फ काउंटर अटैक किया, बल्कि कांग्रेस ने अपने सांसद के सुरेश से भी स्पीकर पोस्ट के लिए नॉमिनेशन फाइल करवा डाला। दरअसल ये कुछ और नहीं, मोदी को ब्लैकमेल करने वाली टैक्टिक है। इंडी अलायंस वाले इस पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर एक गेम खेल रहे हैं, और इस गेम को खेलने वाले सारे मोदी विरोधी कैरेक्टर्स सेम पेज पर हैं। उनकी नजर स्पीकर की कुर्सी पर नहीं, उनके निशाने पर तो विपक्ष के सामने वाली प्रधानमंत्री की कुर्सी है, जहां मोदी बैठे हैं। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता, और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है, और इससे उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। राहुल ने सीक्रेट प्लान बनाकर डिप्टी स्पीकर वाला दांव खेल डाला, मगर कैमरे पर ये नहीं बताया कि उन्होंने एक शर्त रखी है, और शर्त ये कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनाओगे तब जाकर स्पीकर पोस्ट के लिए समर्थन पाओगे, और यहाँ भी घुमा फिरा कर अटैक मोदी पर ही किया। नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। ऐसे जहां तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई है। राहुल ने कैमरे पर कहा, और कांग्रेस के नेताओं ने वही टेक्स्ट अपनी टाइमलाइन पर चिपकाना शुरू कर दिया। कांग्रेस और इंडी अलायंस के इकोसिस्टम ने मोदी के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। ये मैंडेट जो है इस चुनाव का, उसके अनुरूप है। एक तो अव्वल प्रोटेम स्पीकर में आपको इनको मौका देना था, आपने वहां संकीर्ण दायरा दिखाया। मैं कह रहा हूं कि आजाद भारत में इस मैंडेट ने एक सांस लेने की जगह दी है सबको। सांस घुटन सी लोगों को हो रही थी, सांस विपक्ष को भी मिला। तो ये सब संदेश अगर नहीं समझ पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो क्या है इसका मतलब? है कि आप वही तौर तरीका, मैं मेरा मुझको, मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे बाएं कोई नहीं, मेरे दाएं कोई नहीं, जो मैं सोचता हूं वही सबसे अच्छा है। राहुल कहते हैं मोदी की नियत ठीक नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि नियत किसकी ठीक नहीं है। ये वही कांग्रेस के सांसद के सुरेश हैं, जिनका नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए भी आया था। कांग्रेस ने खूब शोर मचाया था।
दरअसल कांग्रेस पहले दिन से के सुरेश को स्पीकर बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुकी है, तभी तो वो हर जगह राहुल के साथ एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। मगर राहुल और राहुल की पार्टी ये भूल गई कि ये मोदी हैं और वो नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मोदी के सामने कोई शर्त नहीं रख सकते। इस तरीके से शर्त लोकतंत्र में नहीं रखी जाती, और खास तौर पे जब सदन के अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं, आप उसके सामने शर्त रखेंगे कि एक डिप्टी स्पीकर का पद जब तक डिसाइड नहीं कर लिया जाता तब तक आप सहमति नहीं देंगे, इस तरीके से लोकतंत्र नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे, तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पोस्ट पर राहुल मोदी सरकार से दो दो हाथ करने पर आमादा है। अब 72 साल में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है, लेकिन फिलहाल तो इंडी अलायंस में ही इस मुद्दे पर पेच फंसता दिख रहा है। दीदी की पार्टी ने स्पीकर पोस्ट के लिए नामांकन भरने वाले के सुरेश और कांग्रेस के खिलाफ ही एक तरह से मोर्चा खोल दिया है, इसे कांग्रेस का एक तरफा फैसला बता दिया है। आप देखिए क्या कंसल्ट नहीं किया कांग्रेस ने, पार्टी का लीडरशिप है, हमारे पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे। और जब का कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है, एंड अनफॉर्चूनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। टीएमसी और कांग्रेस के बीच की इस दूरी को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जिस वक्त संसद में राहुल की एंट्री हो रही थी उस वक्त टीएमसी के सारे सांसद सीढ़ियों पर खड़े थे। राहुल से उसी वक्त टीएमसी वाला सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अभिषेक बनर्जी से आई कांटेक्ट किया, नमस्कार कैसे हैं आप ये कहा और साइड से निकल गए। यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर राहुल चले तो थे मोदी को ब्लैकमेल करने, मोदी पर दबाव बनाने, लेकिन फिलहाल तो इंडी अलायंस में ही तू तू मैं शुरू हो चुकी है। वैसे राहुल जिस परंपरा के दम पर विपक्ष के लिए डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मांग रहे हैं, स्पीकर के पोस्ट के लिए अपने सांसद से नामांकन भरवा रहे हैं, तो राहुल कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित राज्यों की सरकारों का सच क्यों छिपा रहे हैं? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर कांग्रेस का है, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस पार्टी के हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कांग्रेस के हैं। झारखंड में जेएमएम प्लस कांग्रेस की सरकार है, वहां भी स्पीकर जेएमएम का है, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट खाली है। बंगाल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों टीएमसी के हैं। तमिलनाडु में भी यही हाल है, यहां भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर डीएमके के ही हैं। यानी जो राहुल कन्वेंशन और कंसेंसस की बात करके मोदी को घेर रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस और इंडी अलायंस के लिए कुछ और नहीं, मोदी पर हमले का कन्वीनियंट रास्ता है। मोदी के विरोधी खुद अपने राज्यों की सरकारों में करते कुछ और है और दिल्ली आकर कहते कुछ और ही है, लेकिन अब उनकी पोल खुल चुकी है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या? डिप्टी स्पीकर तय करो तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। ये चर्चा कर रहे बैठे कर्नाटक में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। ममता प्रजातंत्र की बात बोलती है, वेस्ट बंगाल में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। तमिलनाडु में डीएमके का इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर। केरला में इनका ही स्पीकर, इनका ही डिप्टी स्पीकर कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।
ये ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेसी में जीते हैं, ये दोहरे मापदंड में जीते हैं। वैसे एक तरह से अच्छा ही है कि राहुल की पार्टी अब लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए एनडीए के कैंडिडेट से दो दो हाथ करेगी, क्योंकि उसके बाद ये शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि लोकसभा में एनडीए की ताकत कितनी है और इंडी अलायंस की ताकत क्या है। राहुल को अभी से ये नोट कर लेना चाहिए कि ये मोदी हैं, न डरने वाले हैं, न किसी से ब्लैकमेल होने वाले हैं। संसद के बाहर का सियासी सीन तो आपने देख लिया, अब आपको संसद के अंदर लेकर चलते हैं। 24 में राहुल पीएम तो नहीं बन सके, हाँ मंगलवार को बतौर सांसद शपथ लेने जरूर पहुंचे, लेकिन यहाँ भी वो 24 के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई संविधान की लाल डायरी वाली कॉपी हाथ में लेकर पहुंचे। और राहुल ने ये काम अकेले नहीं किया, कांग्रेस के हर सांसद के हाथ में वही लाल डायरी दिखी। राहुल ने खड़े होकर सबका वेलकम किया। अमेठी, रायबरेली, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कांग्रेस का हर सांसद संविधान वाली लाल कॉपी लेकर पहुंचा। इसलिए नहीं कि संविधान की लाल कॉपी दिखानी थी, इसलिए क्योंकि सबको मोदी को टारगेट करना था। संविधान खतरे में है वाला झूठा नैरेटिव देश के सामने परोसना था। मगर राहुल और इंडी अलायंस के जिन सांसदों ने संविधान की ये कॉपी दिखाई, उन्होंने शपथ क्या खाई? सबने शपथ संविधान की ही खाई। That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि न संविधान पर कल कोई खतरा था, न आज कोई खतरा है। ये तो सिर्फ मोदी को नए सिरे से घेरने वाला एक सियासी नखरा है। और राहुल के, अखिलेश के, इंडी अलायंस के इस पॉलिटिकल स्टंट की पोल अब खुल चुकी है। इंडी अलायंस को आज भी असली दिक्कत मोदी से ही है, राम के नाम से ही है। तभी तो जब कुशीनगर से जीते बीजेपी के सांसद विजय कुमार दुबे शपथ लेने के बाद जय श्री राम कहते हैं, तो विपक्ष वाले अयोध्या से जीतने वाले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के नाम की माला जपने लगते हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम। जवाब इधर से भी दिया जाता है, उस वक्त करारा रिएक्शन आता है जब गाजियाबाद से जीते बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग शपथ के बाद मोदी का नाम लेते हैं और विपक्ष के जख्मों पर नमक छिड़क देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। एक लाइन में कहें तो स्पीकर से लेकर डिप्टी स्पीकर और संविधान वाला शोर सिर्फ विपक्ष का एक सियासी वेपन है जो वो मोदी के खिलाफ लाए हैं, लेकिन यहाँ भी करारी हार ही पाए हैं। रही बात राहुल की, तो काम खत्म बात खत्म। देख लीजिए, संविधान दिखाकर शपथ लेने के बाद राहुल क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और संविधान की लाल कॉपी वाली डायरी को पीछे रफा दफा कर देते हैं। कल अयोध्या में रामलला के गर्भगृह से पानी टपक रहा है, क्या मंदिर के डिजाइन में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से मंदिर के अंदर पानी आ गया है? जिस रामनगरी को संवारने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो गए, क्या वो प्री मॉनसून की बरसात में पानी पानी हो गया? रामपथ की सड़कें क्यों जमींदोज हो गई हैं? राम मंदिर और अयोध्या की जो तस्वीरें आ रही हैं, देश विदेश में वायरल हो रही हैं, उनमें सच कितना है और झूठ कितना है, इसका पता लगाना जरूरी है। हमारी इस रिपोर्ट में जो सत्य है वो आपके सामने आएगा और जो असत्य है उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। फेक न्यूज और रियल न्यूज दोनों आप देख लीजिए। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है, क्या रामलला के गर्भगृह में पानी जमा हो रहा है? क्या मंदिर की डिजाइनिंग में कोई कमी रह गई है? 30 घंटे से राम मंदिर की यह तस्वीर ट्रेंड कर रही है।
करीब 3,800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मंदिर के फॉल्स डिजाइन की बात अलग अलग नेता अपने टाइमलाइन पर घुमा रहे हैं। पैसे की बर्बादी वाली स्टोरी सुनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पहली ही बारिश में राम मंदिर पानी पानी हो गया, लेकिन हकीकत क्या है, ये बात कहां से उठी, जान लीजिए। जो भी मंदिर बन गए हैं जहां रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूह रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। क्या राम मंदिर में पानी आ सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि राम मंदिर अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं है। राम मंदिर के गर्भगृह में पानी आने की दो बड़ी वजह है। पहली वजह है गर्भगृह के आगे गुण मंडप का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुण मंडप को अभी अस्थायी तरीके से बनाया गया है। इसके चलते बारिश का पानी मंदिर परिसर में आ गया। दूसरी वजह है मंदिर की पहली मंजिल पर बिजली के तार डालने के लिए लगे हुए पाइप। ये पाइप अभी खुले हैं, इसके जरिए भी पानी मंदिर में आया। जैसे ही निर्माणाधीन मंडप की छत दूसरी मंजिल पर जाकर पूरी होगी और मंदिर में बिजली की वायरिंग का काम खत्म होगा, वहां वाटर सीलिंग की जाएगी, जिसके बाद पानी टपकने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। गर्भगृह में कोई पानी नहीं था। अभी गुरु मंडप जो है वो आप सभी जानते हैं कि वो अभी गुरु मंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, क्योंकि वह तो द्वितीय तल पे जा करके पूर्ण होगी। तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया। और दूसरी जो पानी हमने देखा, स्वयं अपनी आँखों से देखा, कि जो बिजली की लाइनें खींचती है ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है। तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, क्योंकि पानी था वहाँ पर, तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। तो कुछ जगहों पे वह कंडुइट कहते हैं जिसको, बिजली के पाइप को, उसके जरिए गया। राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास के अलावा विपक्षी पार्टियों के नेता भी पूछ रहे हैं कि गर्भगृह में अगर पानी आ भी गया तो निकाला क्यों नहीं, क्या गर्भगृह में पानी निकासी का रास्ता नहीं बनाया गया। दरअसल गर्भगृह में नाली नहीं बनाई गई, क्योंकि गर्भगृह में श्रद्धालुओं को अभिषेक करने की इजाजत नहीं होती। गर्भगृह में सिर्फ रामलला के स्नान और श्रृंगार का पानी जमा होता है। इस पानी को मैनुअल तरीके से गर्भगृह के पास बने कुंड में जमा किया जाता है, जहां से श्रद्धालु इसे हासिल कर पाते हैं। इसी वजह से गर्भगृह में जल निकासी नहीं है। बाकी के सभी मंडपों में ढलान भी है और निकासी की व्यवस्था भी बनाई गई है। श्रद्धालु अभिषेक नहीं कर सकते, वहाँ पे गर्भगृह में जाते नहीं हैं श्रद्धालु, वहाँ पर किसी प्रकार का और जल नहीं होता, सिर्फ भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। तो अनेक जो साधु संत थे उनकी यह राय थी कि इस पानी को आप एक कुंड में एकत्रित करें और कुंड में एकत्रित कर लें, जिसे लोगों को लेना है, जल लेना है तो वह स्नान का जल भी लेते हैं। तो वो कुंड निर्माण के पास बना हुआ है, उस कुंड में वहाँ से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके और उसको फिर निचोड़ के वहाँ पे रख दिया जाता है। राम मंदिर में थोड़ा बहुत जो पानी आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है मंदिर निर्माण की शैली। अयोध्या में रामलला का मंदिर नागर शैली में बनाया गया है। इस शैली में मंदिर जहां खुले में बनाए जाते हैं, लंबा चौड़ा परिसर होता है। मंदिर में गर्भगृह मनाया जाता है, जहां भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर का शिखर होता है। नागर शैली में मंदिरों को अलग अलग हिस्सों में बांटा होता है। गर्भगृह के आगे मंडप बनाए जाते हैं और मंडप के आगे सीढ़ियां बनी होती हैं। मंदिर के खुले होने की वजह से
मंदिर में पानी आने की संभावना होती है, लेकिन मंदिर के पूरा बनने के बाद पानी आने का चांस ना के बराबर हो जाएगा। नागर शैली में मंदिर चारों तरफ से बंद नहीं होता, तो जो मंडप है उसके दाएं और बाएं ओर जो है वो तो खुला हुआ है और वो 24 घंटे खुला रहेगा। अब ये संभव है कि कभी बहुत तेज वर्षा आए तो छींटा वहाँ मंडप में आ सकता है, वो संभावना है, लेकिन कोई निर्माण के कारण पानी वहाँ पर आने की संभावना नहीं है। क्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? मंदिर की क्वालिटी को लेकर झूठे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि मंदिर के निर्माण कार्य की निगरानी CBRI रुड़की करती है, क्वालिटी को चेक करती है और जैसा काम होता है उसी आधार पर अपना सर्टिफिकेट देती है। मंदिर का डिजाइन जिस तरह से बनाया गया था, काम भी उसी तरह से हो रहा है। और अभी जो परेशानी आ रही है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मंदिर के निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग इसकी जांच भी CBRI से समय समय पर कराते हैं। हर माह दो बार CBRI रुड़की से जो उनके बड़े अभियंता होते हैं वो आकर के निर्माण कार्य को देखते हैं और उसका वह प्रमाण पत्र देते हैं कि जो निर्माण कार्य उस माह का हुआ है वो अच्छा और सुरक्षित है। अयोध्या के मंदिर के निर्माणाधीन पहली मंजिल का काम 90% हो चुका है, बाकी बचा काम इस साल जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद राम दरबार की स्थापना की जाएगी। जुलाई के बाद दूसरी मंजिल का काम शुरू होगा और 30 दिसंबर 2024 तक राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। रामनगरी अयोध्या योगी सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अयोध्या की तस्वीर बदलने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अभी भी तमाम योजनाओं को लाने की तैयारी है। बीजेपी सरकार ने आज ही अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मंदिर संग्रहालय को मंजूरी दी। अयोध्या कैंटेरिया में 351 करोड़ 40 लाख रुपए से सीवेज योजना बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन प्री मॉनसून की पहली बारिश ने अयोध्या की सड़कों की हकीकत सबके सामने ला दी। अयोध्या में जिस तरह के विकास के दावे किए जा रहे थे उससे किसी को ऐसी तस्वीर की उम्मीद नहीं थी। 624 करोड़ की लागत से बने 13 किलोमीटर लंबे राम पथ पर 13 जगहों पर सड़कें धस गईं, बड़े बड़े चैंबर बन गए, अयोध्या की गलियों में पानी भर गया। अयोध्या में दो दिन के भीतर 67 mm बारिश हुई। इतनी ही बारिश में प्रशासन की पोल खुल गई, रकाबगंज रोड पर सड़क धस गई और सड़क धसने से कार फंस गई जिसे धक्का लगाकर लोगों ने निकाला। सड़कें धसने की वजह भी सामने आ गई है। रामपथ पर सड़कें वहीं धसी जहां पर जल निगम की तरफ से गहरी सीवर लाइन के मेन होल बनाए गए थे। जॉइंट के पास मेन होल पर स्टॉक वाटर ड्रेन से पानी रिसने की वजह से सड़कों पर गड्ढे बन गए। लोक निर्माण विभाग इन गड्ढों के लिए जल निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रामपथ का निर्माण प्लान PWD ने किया है जबकि सीवर लाइन का काम जल निगम का जिम्मा था। ये रोड मरम्मत को चल रहा था, रोड की मरम्मत ठीक से न गिरने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। रात से बरसात हो रही है, रात से बारिश हो रही है, पहली बारिश का ये हाल है। पूरे शहर में ऐसा है? पूरे शहर के यही हाल है, हर तरफ गड्ढे खोदे जा रहे हैं। गाड़ी में कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। तो हमारे पास 4 फुट पानी भरा हुआ था, हमने वहाँ पे शिकायत इसमें किया कि अतिक्रमण आगे है, आप उसको जाना, उसको उसमें अतिक्रमण हटा दीजिए। अतिक्रमण हटा दिए, सबको सुख, मतलब सुख होगा, किसी के पानी अंदर जाएगा ही नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा 3-4 लाख रुपये का नुकसान हो गया, हमारे सारे काउंटर जल के हो गए। उसका अतिक्रमण हमारे पश्चिम तरफ जो है कि रिलायंस चैन के यहीं शुरू से हमारे यहाँ उसमें लगा हुआ, हमारे बगल में ट्रांसफार्मर, इसके भी बगल में नाले के पूरा यहाँ से वहाँ तक अतिक्रमण है। सड़कों के टूटने की खबर जैसे ही सामने आई जल निगम ने सड़कों को पाटना शुरू कर दिया। लेकिन अयोध्या की इन तस्वीरों से बीजेपी परेशान है तो समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई है। अयोध्या के गड्ढे और कॉलोनियों में जल भराव की तस्वीर ट्रेंड कराई जा रही है। अयोध्या की आवाज बनकर संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद
भ्रष्टाचार वाली लाइन दोहरा रहे हैं तो अजय राय उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। रामपथ के निर्माण में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी लूट हुई है, उसका खुलासा हो गया। बरसात अभी पूरी नहीं हुई है, बरसात की तो भी शुरुआत हुई है ना, लेकिन बताया गया जगह जगह गड्ढे हो गए, खतरनाक गड्ढे हुए, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, मंदिरों में पानी जा रहा है, और ये तमाम बातें, यहाँ तक कि रेल का जो दीवार थी गिर गई, यहाँ तक बताया जा रहा है कि वो छत से पानी गिर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। जिस भगवान राम के नाम पर बड़ी बड़ी बात बोली गई और भगवान के राम के मंदिर में भी घोटाला हो गया, भगवान के मंदिर में भी पैसा खा गए, सड़कें जो रामपथ की सड़कें बनी हैं वो पूरी सड़क बैठ गई, टूट गई। सोचिए आप, वो पूरी सड़कें बैठ गई, मैं देखा कि 20-22 जगह गड्ढे हो गए, बैठ गई, भगवान के मंदिर में अंदर पानी टपक रहा। और बोल कौन रहा है, बताया किसने, जो प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास जी जो लगातार भगवान राम की सेवा लगातार करते, जब पूरा जीवन उन्हें लगा दिया। बीजेपी भले ही फैजाबाद में सियासी लड़ाई समाजवादी पार्टी से हार गई, लेकिन अयोध्या को लेकर परसेप्शन की लड़ाई वो नहीं हारना चाहती। इमरजेंसी के बहाने मोदी ने विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव पर लाइन क्लियर कर दी। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मोदी ने बड़ी आक्रामक बात कही। मोदी तय कर चुके हैं कि इस बार वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होकर खेलेंगे, विपक्ष और खासकर कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा कर छोड़ेंगे। आखिर वो कौन सा हथियार है जो मोदी को मिल गया है, आइए देखते हैं। 25 जून न भूलने वाला दिवस है, भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। मोदी ऐसे ही इमरजेंसी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मोदी ने 50 साल पहले लगी इमरजेंसी के हर एक पल को जिया है। आगे हम बताएंगे कि मोदी ने कैसे इमरजेंसी को जिया, उससे पहले जान लीजिए कि कैसे मोदी ने आपातकाल के जरिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के संविधान वाले नैरेटिव का एक एक कर जवाब दिया है। इमरजेंसी के 50 साल होने पर प्रधानमंत्री ने बैक टू बैक 4 ट्वीट किए। मोदी ने लिखा कि कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता आज भी नहीं गई। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंदा, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। सत्ता में बने रहने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना की और देश को जेल खाना बना दिया। जो भी व्यक्ति कांग्रेस से असहमत होता था उसे प्रताड़ित किया गया और जेल में डाल दिया गया। जिन्होंने आपातकाल लगवाए उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपने प्रेम का इजहार करने का कोई अधिकार नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए विधेयक पारित किया, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वो उसी पार्टी में बहुत ज्यादा मौजूद है जिसने इसे लगाया था। वे अपने दिखावे के जरिए संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को छिपाते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी हरकतों को देख लिया है और इसलिए उन्होंने उन्हें बार बार नकार दिया है। मोदी ने विपक्षी इंडिया के संविधान वाले नैरेटिव पर क्लियर लाइन ले ली है। 18वीं लोकसभा में इंडिया अलायंस के संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मोदी ने अटैकिंग बात कह दी है, यानी मोदी तय कर चुके हैं कि इस बार वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होकर खेलेंगे। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस को उसी के बिछाए जाल में फंसा कर छोड़ेंगे। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए
देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था।